आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका एक फर्स्ट इंप्रेशन देंगे, तो देखते रहें। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गैबलेट का एक्सटेंशन बोर्ड जो कि है ये। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका एक फर्स्ट इंप्रेशन आपको देंगे। अनबॉक्सिंग में ऐसा कुछ है नहीं, मैं इसमें से बस ये दो स्टेपलर पेंस निकालूंगा, दैट्स इट। अगर आप देखेंगे तो ये गैबलेट का 6-way 2500 वॉट का एक्सटेंशन बोर्ड है। इसमें आप देखेंगे तो 6 पेंस हैं, यानी कि आप इसमें 6 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल सॉकेट्स हैं, ये वाइट बेल्ट का है। और इसमें अगर आप देखें, ये इसके जो हैं स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब इससे कुछ नहीं करना है हमें, लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। तो मैंने इसका स्टेपलर पिन हटा दिया है, अब मैं इधर से इसको ये निकालूंगा और ये है कैबलेट का एक्सटेंशन बोर्ड। तो देखिए इसकी मैट फिनिश है और ये केबल देख लेते हैं कितनी लंबी है इसकी। आई थिंक ये अराउंड 1.5 मीटर की ये केबल होनी चाहिए। सो 1.5 मीटर की ये केबल है इसकी। 6-way सॉकेट्स, ये पावर ऑन ऑफ बटन, मैट फिनिश। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये सर्च प्रोटेक्टर नहीं है, इसमें ऐसा कोई सर्च प्रोटेक्शन का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसे इधर से भी हैंग कर सकते हैं और आप इसे इधर से भी हैंग कर सकते हैं, तो दो तरीके से आप इसे हैंग कर सकते हैं। इससे पहले अपने चैनल पर मैंने एक और एक्सटेंशन बोर्ड की अनबॉक्सिंग की थी, वो था GM का एक्सटेंशन बोर्ड। उससे मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मैं उससे इसे कंपेयर करूँ तो इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्मूथ बना हुआ है, मैट फिनिश है और मजबूत भी मुझे काफ़ी लग रहा है। इसके जो अंदर सॉकेट्स हैं वो पीतल के हैं, ऐसा भी नहीं है कि इट्स स्टील, इट मे बी प्लेटेड लाइक दैट और ओरिजिनल भी हो सकता है पीतल। सो दैट इज़ अनदर गुड पार्ट ऑफ दिस। और 6 सॉकेट्स हैं तो ये प्लस है। इसमें जो एक मेरे को अभी तक नेगेटिव दिखा है थोड़ी देर में, वो ये दिखा है कि ये जो केबल है, इसमें जो केबल पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 एम्पियर 250 वोल्ट, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो इधर लिखा होगा 6 एम्पियर 250 वोल्ट। तो ये इसमें एक छोटा सा नेगेटिव था कि ये केबल पता नहीं 10 एम्पियर करंट झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, बाकी ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी यूज़ करके पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पर मेरे को ठीक लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। एक और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो थोड़े स्लो हो गए हैं बढ़ना, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल को बहुत मदद होगी। देखने के लिए धन्यवाद।